फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर वेरी वेल। टॉपिक ऑफ आर टूडेज लेक्चर इज बेंडर गेस्टाल बी जी टी सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बीजी टी गेस्टाल्ट टेस्ट की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि किसने डेवलप किया था सो बेंडर टेस्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट को विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट भी कहा जाता है बीजीटी टी वॉज डेवलप्ड बाय चाइल्ड न्यूरोसाइकेट्रिस्ट लॉरेटा बेंडर इन नाइनटीन थर्टी एट नाइनटीन थर्टी एट में इसको डेवलप किया गया था और लॉरेटा बेंडर जो कि एक चाइल्ड न्यूरोसाइकेट्रिस्ट थी उन्होंने इसको डेवलप किया था बेंडर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड हर विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट इन एंड नाइनटीन थर्टी एट मोनोग्राफ एंड टाइटल्ड अ विजुअल मोटर गेस्टॉल्ट टेस्ट एंड इट्स क्लिनिकल यूज लॉरेटा बैंडर ने बीजी टी को फर्स्ट टाइम नाइनटीन थर्टी एट में अपने मोनोग्राफ जिसका नाम था अ विजुअल मोटर गेस्टॉल्ट टेस्ट एंड इट्स क्लिनिकल यूज उसमें जो है इन्होंने इसको डेवलप और डिस्क्राइब किया था इसके बाद हम पढ़ते हैं कि बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट का पर्पस क्या है और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं सो बी जी इज़ यूज टू असेस द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ब्रेन इंपेयरमेंट रिटार्डेशन पर्सनैलिटी डेविएशंस ब्रेन डिफेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एंड ब्रेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ए है इनको असेस करने के लिए बी यूज़ किया जाता है इसके अलावा अगर किसी इंडिविजुअल के ब्रेन में कोई इम्पेयरमेंट है या कोई ब्रेन डिफेक्ट या कोई ब्रेन डैमेज मौजूद है उसकी वजह से कोई फंक्शनिंग डिस्टर्ब है तो उसको भी हम बी के थ्रू असेस कर सकते हैं पर्सनैलिटी डेविएशंस अगर किसी की पर्सनैलिटी डेविएट हो चुकी है तो उसको भी असेस किया जा सकता है और इसके अलावा बॉडी और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन कैसी है ब्रेन के जो मैसेजेस हैं वो बॉडी तक सही से ट्रांसमिट हो रहे हैं बॉडी सही से वर्क कर रही है जो बॉडी के मसल्स हैं उनकी फंक्शनिंग कैसी है ब्रेन और बॉडी किस तरह कम्युनिकेट कर रही है सो so, इसको भी हम बी के थ्रू असेस कर सकते हैं बी जी टी इज़ यूज टू बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट बी जी टी बच्चों और बड़ों दोनों पर अप्लाई किया जा सकता है अब हम देखते हैं कि बी जी टी दरअसल है क्या सो बी जी टी कंसिस्ट ऑफ नाइन फिगर्स और कार्ड्स विच नेम्ड एज ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बैंडर गेस्टॉल्ट टेस्ट जो है इसमें टोटल आपके पास नाइन फिगर्स या नाइन कार्ड्स होते हैं उन कार्ड्स के जो हैं वो नेम इस तरह से हैं ये जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे दिखाया है मैंने ये तीन यहाँ पे हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में बाकी सिक्स जो हैं आपको उसमें विजिबल होंगे सो ये जो फर्स्ट कार्ड है इसका नाम होता है ए कार्ड इन कार्ड्स के बैक साइड पे इन कार्ड के नेम लिखे होते हैं फर्स्ट कार्ड का नेम होता है ए सेकेंड का वन थर्ड का टू फोर्थ का थ्री फिर फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस तरह से टोटल नाइन कार्ड्स पर जो है हमारा जो टेस्ट है बीजीटी बेंडर बैंडर टेस्ट वो कंसिस्ट होता है इसके बाद अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन या एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करते हैं कि इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं सो साइकोलॉजिस्ट गिव वन ब्लैंक पेज पेंसिल एंड इरेजर एंड आस्क टू ड्रॉ द फिगर्स ऑन द पेपर बी को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं एडमिनिस्टर कैसे करते हैं तो इसमें जो प्रोफेशनल है साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है वो अपने क्लाइंट को एक ब्लैंक पेपर देते हैं एक पेंसिल देते हैं और एक इरेजर उनको दिया जाता है और उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि हेयर आर सम फ़िगर्स फॉर यू टू कॉपी जस्ट कॉपी दैम द वे यू सी दैम ये कुछ कार्ड्स हैं और इन कार्ड्स के ऊपर कुछ फिगर्स बनी हुई हैं ये हम आपको वन बाय वन हम आपको ये फिगर दिखाएंगे और आपने इन फिगर को उस पेज के ऊपर कॉपी करना है मींस जैसा इस कार्ड पे बना हुआ है वैसा ही आपने भी अपनी पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है शोइंग द फिगर्स और कार्ड्स इन वर्टिकल और हॉरिजोंटल फॉर्म टू दी क्लाइंट अब जो कार्ड्स हैं वो हम हॉरिजॉन्टली भी शो कर सकते हैं अपने क्लाइंट को और वर्टिकली भी हम अपने क्लाइंट को वो कार्ड शो कर सकते हैं वन बाय वन हम उनको एक एक कार्ड उनको दिखाते जाएंगे और वो जो है वो उस कार्ड को ड्रॉ करते जाएंगे यहाँ एक बात याद रखने की है कि ये कोई मेमोरी टेस्ट नहीं है हम बेंडर गेस्ट टेस्ट जो है वो उसकी एम्पेयरमेंट को ब्रेन एम्पेयरमेंट को जानने के लिए उसकी पर्सनैलिटी डेवियशंस को जानने के लिए उसकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को या न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग को जानने के लिए जो है वो हम अप्लाई कर रहे होते हैं इसमें हमें ये नहीं देखना होता है कि एक दफ़ा हमने उसको कार्ड दिखा दिया फिर हमने उनको कह दिया कि आपने अब ये फिगर ड्रॉ करनी है अगर वो आपको कहते हैं फिर से कि मुझे वो कार्ड आप वापस दिखा सकते हैं तो हम उनको वापस वो कार्ड दिखाएंगे और वन बाय वन हम उनको कार्ड दिखाते हैं सबसे पहले ए दिखाएंगे फिर वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव सिक्स सेवन एट इस तरह से हम नौ के नौ कार्ड अपने क्लाइंट को शो करेंगे और वो नौ की नौ फिगर्स जो है वो उस सिंगल ब्लैंक पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे टोटल इस टेस्ट को करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है जो नॉर्मल टाइम है वो सिक्स मिनट्स का है सिक्स मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो क्लाइंट जो है आपका फिगर्स को ड्रॉ कर लेता है लेकिन कुछ क्लाइंट्स जिनके वाकई में कोई सीवियर किस्म की इम्पेयरमेंट होती है ब्रेन में तो उनको जो है वो टाइम ज़्यादा लग सकता है लेकिन जो नॉर्मल टाइमिंग है इसकी वो सिक्स मिनट्स है इसके बाद अब हम बात करते हैं स्कोरिंग की कि बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट की स्कोरिंग कैसे होती है तो अब मैं आपको वो स्कोरिंग शीट दिखाऊंगी और उस स्कोरिंग शीट के थ्रू ही आपको बताऊंगी कि इसकी स्कोरिंग हम कैसे करते हैं ये गेस्टाल्ट टेस्ट और विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट की स्कोरिंग शीट है फिगर्स ड्रॉ करवाने के बाद हरी आती है उन फिगर्स को स्कोर करने की कि आपको उनकी उस फिगर से क्या पता चला तो उसके लिए ये शीट है इसमें सबसे पहले उस क्लाइंट का हम नेम लिखते हैं उसके बाद डेट मेंशन की जाती है और टाइम टू कंप्लीट उनको वो नाइन फिगर्स ड्रॉ करने में कितना टाइम लगा तो वो टाइम हम यहाँ पे मेंशन करते हैं अब इस स्कोरिंग शीट में आपको लेफ़्ट हैंड पे एरर का एक कॉलम बना हुआ है फिर डिस्क्रिप्शन का कॉलम है और उसके बाद जो है ये ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये वो कार्ड्स नंबर मेंशन है कार्ड्स के नेम मेंशन है और उसके बाद एक कॉलम है प्रेजेंट का अब जो है उन फिगर्स में हम क्या देखते हैं कि आपके क्लाइंट ने जो फिगर ड्रॉ की हैं उसमें क्या एरर है हम उन एरर को जो है वो नोट करते हैं ट्वेल्व एरर यहाँ मेंशन है उनकी डिस्क्रिप्शन भी आपको आगे दी हुई है जो अभी मैं आपको बताऊँगी कि क्या है फिर उसके बाद वो कार्ड नंबर्स मेंशन है ये जो ब्लैक पोर्शन है जहाँ जिस जिस कार्ड के नीचे ब्लैक कलर हुआ हुआ है इस ब्लैक कलर का मतलब ये है कि इन कार्ड के ऊपर आपने वो एरर नहीं देखना होता अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ बताना फिर आपको और क्लियर होगा सबसे पहले जो एरर है वो है रोटेशन अब रोटेशन जो है आपको तमाम कार्ड्स के ऊपर देखनी होती है ठीक है रोटेशन का मतलब ये होता है कि आपने अगर उनको जो फिगर्स हैं, वो वर्टिकल फॉर्म में दिखाई थी तो आपके क्लाइंट ने क्या किया जो फिगर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में जो है वो ड्रॉ की हैं और अगर आपने फिगर्स हॉरिजॉन्टल वे में उनको दिखाई थी तो आपके क्लाइंट ने उन फिगर्स को वर्टिकल फॉर्म में जो है वो ड्रॉ किया मींस आपके क्लाइंट ने जो उसकी रोटेशन है उन फिगर्स की उसको चेंज कर दिया है एटी से वन एटी डिग्री के एंगल पे उन्होंने उसको रोटेट कर दिया है तो इसको हम कहते हैं रोटेशन एरर अब जो रोटेशन है ये हम नाइन के नाइन कार्ड्स के अंदर देखते हैं इसके बाद ये जो प्रेजेंट का कॉलम बना हुआ है प्रेजेंट में जो है वो हम लिखते हैं कि रोटेशन में कोई एरर मौजूद है क्या आपके क्लाइंट ने जो फिगर है उसको रोटेट किया है अगर किया है तो आप उस कार्ड के नीचे टेक कर दोगे जैसे फोर सपोज़ ये ऊपर उन कार्ड्स की फिगर्स बनाई गई हैं जैसे ए कार्ड पे उन्होंने जो है वो उस फिगर को रोटेट करके बना दिया है थर्ड कार्ड है उसको भी उसका जो एंगल है उसकी जो रोटेशन है वो भी उन्होंने चेंज कर दी है तो so, आपने ए के ऊपर टिक किया और थर्ड कार्ड के ऊपर जो है उसके कॉलम में टिक कर दिया अब आपने प्रेजेंट में क्या लिखना है वन प्रेजेंट में आप या तो वन लिखते हो या ज़ीरो ये दो डिजिट्स होते हैं वन का मतलब होता है कि एरर मौजूद है और ज़ीरो का मतलब होता है कि कोई एरर नहीं है अब यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे टोटल नौ कार्ड्स दिए हुए हैं मींस नौ कॉलम्स हैं कार्ड के तो अगर एरर रोटेशन में ए के ऊपर भी एरर मौजूद है थ्री पर भी है फाइव पर भी है तो आपने प्रेजेंट में वन ही लिखना है आपने ये नहीं करना कि ए थ्री और फाइव को ऐड कर दिया मींस ए के नीचे आपने वन सपोज कर लिया थ्री का वन सपोज कर लिया और फाइव का वन सपोज कर लिया तो इस तरह थ्री हो गए तो आपने प्रेजेंट के नीचे थ्री लिख दिया ऐसे नहीं करना एक एरर मौजूद है दो कार्ड में एरर मौजूद है तीन कार्ड में एरर मौजूद है नंबर आपने वन ही लिखना है ठीक है ये हो गया रोटेशन का सेकंड पे जो आपके क्लाइंट को डिफ़िकल्टी आएगी उन फिगर्स में वो आएगी ओवरलैप करने की ठीक है जैसे आपको कुछ फिगर्स नज़र आ रही होंगी यहाँ पे सिक्स और सेवन फिगर ठीक है ओवरलैपिंग डिफ़िकल्टी जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ कार्ड नंबर सिक्स और कार्ड नंबर सेवन के ऊपर देख रहे होते हैं कि आपके क्लाइंट ने जो ओवरलैपिंग की है वो किस तरह की की है अब ओवरलैपिंग डिफिकल्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है सबसे पहले आती है ओमिशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द फिगर विच ओवरलैप कार्ड नंबर सिक्स और कार्ड नंबर सेवन में फिगर के जिस पोर्शन या जिस पार्ट पे ओवरलैपिंग हो रही है क्लाइंट ने उस पार्ट को ओमिट कर दिया है मीन्स जब आपने कार्ड नंबर सिक्स और कार्ड नंबर सेवन अपने क्लाइंट को दिखाया तो उन्होंने कार्ड नंबर सिक्स की जो फिगर और कार्ड नंबर सेवन की फ़िगर तो ड्रॉ की लेकिन जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट था उसको उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया उसको उन्होंने ऑमिट कर दिया ठीक हो गया पहली डिफ़िकल्टी ये आती है सेकेंड डिफ़िकल्टी क्या है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फिगर्स ओनली एट दी पॉइंट ऑफ ओवरलैप ओवरलैप का जो पॉइंट है कार्ड नंबर सिक्स और कार्ड नंबर सेवन में वहाँ जो है वो ड्राइंग को जो है वो सिंप्लीफाई कर देते हैं मींस जैसे यहाँ पे जो ओवरलैपिंग पे जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े कर्व टाइप बने हुए हैं बैंड हुई हुई है वो लाइन लेकिन वो क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन करके जो है उन पॉइंट्स को आपस में ओवरलैप कर देंगे ठीक है ये सेकेंड डिफिकल्टी होती है थर्ड डिफिकल्टी आती है मार्क्ड स्केचिंग और रीवर्किंग ओनली एट द पॉइंट ऑफ ओवरलैप कार्ड नंबर सिक्स और कार्ड नंबर सेवन पे जिस पॉइंट पे जिस पोर्शन पे फिगर के ओवरलैपिंग हो रही है वो वहाँ पे आपका क्लाइंट जो है वो सिंपली स्केच कर देगा मींस बहुत लाइट पेंसिल से जो है वो उस वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देगा नेक्स्ट डिफिकल्टी आती है डिस्टॉर्शन ऑफ द फ़िगर एट द पॉइंट ऑफ ओवरलैप कार्ड नंबर सिक्स और कार्ड नंबर सेवन पर जहाँ ओवरलैपिंग हो रही है वहाँ पर आपका क्लाइंट जो है उस पॉइंट पे डिस्टॉर्शन मीन्स के उसको ट्विस्ट कर देगा या उसको बहुत ज़्यादा पुल करके बना देगा मीन्स जो उसकी डेप्थ है ना उस लाइन की वो बढ़ा देगा जैसे ओवरलैपिंग में जो है वो जगह जो है बीच में मतलब ज़्यादा आ जाएगी इसके बाद डिफिकल्टी आती है फिगर्स ओवरलैप एट द रॉन्ग प्लेस इसके अलावा आपका क्लाइंट ये कर सकता है कि सिक्स और सेवन कार्ड में जो ओवरलैपिंग जिस पॉइंट पे हुई भी है वहाँ वो नहीं करेगा वो किसी और पॉइंट पे मतलब गलत जगह पे जो है वो ओवरलैपिंग कर सकता है और लास्ट डिफ़िकल्टी उसको ये हो सकती है ओवरलैपिंग में कि फेलियर ऑफ़ फ़िगर्स टू ओवरलैप मींस आपका क्लाइंट जो है वो ओवरलैपिंग कर ही नहीं पा रहा फिगर्स के जिस पॉइंट पे ओवरलैपिंग हो रही है वो इनएबल है उसको ओवरलैप करने में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है ठीक है तो ये हो गई ओवरलैपिंग डिफिकल्टी अब अगर कार्ड नंबर सिक्स और कार्ड नंबर सेवन में ओवरलैपिंग मौजूद है तो आप कार्ड नंबर सिक्स और कार्ड नंबर सेवन में टिक मार्क कर दोगे और प्रेजेंट में लिख दोगे वन अगर सिक्स और सेवन में ओवरलैपिंग मौजूद नहीं है तो आप वहाँ पर क्रॉस लगा दो और प्रेजेंट में लिख दो ज़ीरो ठीक हो गया इसके बाद थर्ड एरर आता है सिम्प्लीफिकेशन सिम्प्लीफिकेशन का मतलब यहाँ पर यह आएगा कि जैसे जैसे आपके फिगर नंबर या कार्ड नंबर बढ़ता जा रहा है जैसे ए है फिर वन टू थ्री फोर तो जैसे जैसे फिगर्स का नंबर आगे होता जा रहा है फिगर्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ती जा रही है ठीक है तो यहाँ पे हम ये देख रहे होते हैं कि आपके क्लाइंट ने जो फिगर्स हैं उसको वैसे ही उसी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ड्रॉप किया है या फिर उसको सिम्प्लीफाई कर दिया है तो सिंप्लीफिकेशन आप कब स्कोर करते हो जब सर्कल फॉर डॉट ऑन फिगर वन जैसे आप फिगर वन देखो तो वहाँ पे डॉटेड लाइन मौजूद है लेकिन आपके क्लाइंट ने क्या किया कि जब आपने उसको फर्स्ट कार्ड दिखाया और उन्होंने उन डॉट्स की जगह सर्कल्स ड्रॉ कर दिए सेकेंड एरर क्या हो सकता है सिंप्लीफिकेशन में नॉन ओवरलैपिंग पार्ट्स उन्होंने जो ओवरलैपिंग पार्ट्स थे फिगर में ओवरलैपिंग ही नहीं की और ड्राइंग जो है बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड बनाई है ठीक है ये हो गया सिंप्लीफिकेशन अब सिंप्लीफिकेशन आपको तमाम कार्ड्स के ऊपर देखनी होती है ए पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तमाम कार्ड्स के ऊपर हम सिंप्लीफिकेशन देखते हैं और अगर प्रेजेंट है तो वन लिख देंगे अगर सिम्प्लीफिकेशन में एरर नहीं होता तो हम प्रेजेंट में ज़ीरो लिख देंगे फोर्थ एरर आता है फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि अगर हमने वो कार्ड प्रेजेंट की अपने क्लाइंट को और आपके क्लाइंट ने जो फिगर्स हैं वो इनकम्प्लीट ड्रॉ की हैं या फिर उन फिगर्स को फ्रेगमेंट्स में या पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जैसे अगर हम कार्ड वन की बात करें तो इसमें डॉटेड लाइन है तो हो सकता है कि आपका क्लाइंट जो है वो इन डॉट्स को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दे मीन्स थ्री डॉट्स फिर थोड़ा स्पेस दे फिर थ्री डॉट्स फिर थोड़ा स्पेस दे ठीक है इस तरह से उसने क्या किया ड्रॉइंग को फ्रेगमेंट्स में और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फ्रेगमेंटेशन भी हम तमाम कार्ड्स में देखते हैं अगर प्रेजेंट होगी तो वन लिख देंगे अगर फ्रेगमेंटेशन एरर मौजूद नहीं है तो हम जीरो लिखेंगे फ्रेगमेंटेशन के बाद आता है रेट्रोग्रेशन रेट्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं कि स्ट्यूमुलस मीनस के जो कार्ड आप दिखा रहे हो उनको उसको स्ट्यूमुलस कहा गया है उन स्ट्यूमुलस कार्ड्स में जो फिगर का पार्ट ड्रॉ किया गया है क्लाइंट उस पार्ट को जो है अपनी फिगर में सब्सटीट्यूट कर देता है मीन्स उसको उससे जो आसान फिगर लगती है उसके साथ रिप्लेस कर देता है जैसे कि लूप्स फॉर सर्कल्स जैसे फिगर टू में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर्किल्स बनाए हुए हैं फिगर टू में सर्किल्स मौजूद हैं तो आपके क्लाइंट को भी सर्कल्स बनाने चाहिए लेकिन आपका क्लाइंट क्या करे कि उन सर्कल्स की जगह वो लूप बना दे। या फिगर थ्री में अगर हम बात करें एक सर्किल वाली कर्व लाइन ड्रॉ की गई है और आपका क्लाइंट क्या करे कि उन सर्किल्स की जगह एक जो लाइन होती है सिंपल लाइन वो ड्रॉ कर दे तो इस सिंपल लाइन को जो कि थोड़ी सी बैंड हुई भी होती है इसको हम कहते हैं लूप तो उन सर्किल्स की जगह अगर आपका क्लाइंट लूप बना देता है तो इसको हम कहेंगे रेट्रोग्रेशन एरर सेकंड क्या हो सकता है डैशेज फॉर डॉट्स जैसे फिगर वन में डॉट्स हैं फिगर फाइव में भी डॉट्स हैं तो अगर आपका क्लाइंट डॉट्स की जगह सर्कल्स ड्रॉ कर दे तो यहाँ भी रेट्रोग्रेशन एरर मौजूद है थर्ड ट्राइंगल फॉर डायमंड और डायमंडोन जिन जिन कार्ड्स में हैगजागोन और डायमंड की शेप बनी हुई है जैसे सेवन कार्ड है एट कार्ड है तो उन हेगोन और डायमंड को वो ट्राइंगल की शेप में बना दे इसके अलावा हो सकता है कि आपका क्लाइंट डायमंड की शेप देखता है तो उसकी जगह वो अपनी ड्राइंग में स्क्वायर ड्रॉ कर दे इसी तरह अगर वो हेक्सागोन शेप देखता है जैसे कि कार्ड एट में है तो वो हेक्सागोन की जगह वो रेक्टेंगल एंगल ड्रॉ कर दे तो इसको हम कहेंगे रेट्रोग्रेशन अगर रेट्रोग्रेशन मौजूद होगी तो प्रेजेंट में वन लिखेंगे अगर रेट्रोग्रेशन एरर मौजूद नहीं है तो प्रेजेंट में जीरो लिखा जाएगा रेट्रोग्रेशन के बाद आता है परजिब्रेशन अब परजिब्रेशन में जो है वो टू टाइप्स के एरर होते हैं मीन्स टू टाइप्स की परजिवरेशन होती हैं ये भी हो सकता है कि आपके क्लाइंट ने जो फिगर ड्रॉ की है उसमें बोथ टाइप्स की परजिवरेशन एरर मौजूद हो और यह भी हो सकता है कि उसमें वन टाइप ऑफ परजिवरेशन एरर मौजूद हो लेकिन स्कोरिंग आपने एक ही दफ़ा करनी है ठीक है अब परजिवरेशन एरर टाइप वन क्या है इन अप्रोप्रिएट सब्सिटीट्यूशन ऑफ़ द फीचर्स ऑफ स्ट्यूमस यहाँ पे भी रेट्रोग्रेशन की तरह सब्सटीट्यूशन ही हुई है लेकिन ये जो सब्सटीट्यूशन है वो इन अप्रोप्रिएट है जैसे कि रिप्लेसिंग द सर्किल्स ऑफ फिगर टू विद द डॉट्स ऑफ फिगर वन फिगर नंबर टू में सर्किल्स ड्रॉ किए हुए हैं लेकिन आपका क्लाइंट क्या करें कि जब वो ड्रा कर रहा है कार्ड टू को देख के तो वो उन सर्किल्स की जगह डॉट्स ड्रॉ कर दे इसको हम कहेंगे परजिब्रेशन इसके अलावा क्या हो सकता है कि कार्ड नंबर थ्री और कार्ड नंबर फाइव की फ़िगर की जगह वो डॉट्स की जगह सर्किल ड्रॉ कर सकता है तो ये परजिब्रेशन टाइप वन एरर है टाइप बी परजिब्रेशन एरर क्या होता है कि इसमें आपका क्लाइंट जो है वो फिगर्स के अंदर इंट्रा डिज़ाइन करता है मतलब जो फ़िगर्स बनी हुई हैं वो उनको तो ड्रॉ करेगा ही लेकिन उसके अंदर भी वो और ख़ुद से जो है वो डिज़ाइन ड्रॉ कर देता है जैसे कि हम कार्ड टू की बात करें तो वो इन सर्कल्स के बीच में कुछ और सर्कल्स लगा देगा अगर हम कार्ड वन की बात करते हैं तो वो डॉट लगा रहा है तो आगे मतलब और बहुत सारे डॉट्स लगा देगा मीन्स हो सकता है कि वो उन सर्कल्स और डॉट की क्वांटिटी बढ़ा दें जो कि आपके उस ओरिजिनल कार्ड में मौजूद है उससे ज़्यादा डॉट्स और सर्कल्स अपनी बनाई हुई ड्राॅइंग में वो बना दें तो इसको हम कहते हैं टाइप बी परजिवरेशन एरर जिसमें वो इंट्रा डिज़ाइन करता है और टाइप ए एरर में जस्ट वो रिप्लेस कर देगा अगर उसने टू फिगर के अंदर सर्कल्स हैं तो वहाँ पे वो उसकी जगह डॉट्स लगा देगा और फाइव और थ्री जो फ़िगर है उसमें अगर डॉट्स हैं तो उन डॉट्स की जगह सर्किल लगा देगा ठीक है यहाँ तक परजिब्रेशन कंप्लीट होता है अगर प्रजिब्रेशन में दोनों टाइप के एरर मौजूद हैं तो आपने उन कार्ड के नीचे टेक कर देना है अगर एक टाइप का भी एरर मौजूद है तो भी आपने वहाँ टेक करना है और प्रेजेंट में आपने वन ही लिखना है और अगर पर्जीबरेशन एरर में कोई एरर मौजूद नहीं है आपके क्लाइंट की ड्राइंग में तो आपने ज़ीरो लिखना है परजीबरेशन के बाद आता है कोलिजन और कोलिजन टेंडेंसी कोलिजन और कोलिजन टेंडेंसी जो है वो हम तमाम कार्ड्स में देखते हैं कोलिजन और कोलिजन टेंडेंसी क्या है कि जैसा कि हम जो है वो एक सिंगल पेपर देते हैं अपने क्लाइंट को उस सिंगल पेपर पे आपके क्लाइंट ने नाइन की नाइन फिगर्स ड्रॉ करनी होती हैं अब अगर आपका क्लाइंट जो है उसकी फिगर वन फिगर टू से कोलाइड कर रही है या टच हो रही है इसके अलावा फिगर नंबर फाइव जो है वो फोर से टच हो रही है तो इसको हम कहते हैं कोलिजन और कोलिजन टेंडेंसी अगर कोलिजन और कॉलीजन टेंडेंसी मौजूद होगी तो हम प्रेजेंट में वन लिख देंगे अगर नहीं होगी तो ज़ीरो लिखा जाएगा कोलिजन के बाद आती है इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हम उसके बिहेवियर और उसके वर्बल एक्सप्रेशन को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं इम्पोर्टेंस में ये होता है कि आपका जो क्लाइंट है वो ड्राइंग करते वक्त उसके बिहेवियर और उसके वर्बल एक्सप्रेशन इस तरह का होता है कि जिससे आपको पता चलता है कि आपका जो क्लाइंट है वो इस ड्राइंग को करने में अनेबल है वो ड्राइंग नहीं कर पा रहा है उसको ये फिगर्स मुश्किल लग रही हैं जैसे वर्बल एक्सप्रेशन के थ्रू हमें कैसे पता चलेगा कि वो इन फिगर्स को देख के बोल सकता है मुझे पता है कि ये ड्राइंग जो है वो इसका कोई मकसद नहीं है या ये कोई एक अप्रोप्रियट ड्राइंग नहीं है लेकिन फिर भी मुझे इसको ड्रॉ करना है ये कितनी मुश्किल है मैं इसको ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसको कैसे ड्रॉ करूँ तो ये उसके वर्बल एक्सप्रेशन होंगे और बिहेवियर कैसे हम ऑब्ज़र्व करेंगे वो जो है बार बार उस फिगर को इरेज़ कर रहा होगा उसको सही से बनाने के लिए लेकिन फिर भी इरेज़ कर करके भी वो उसको सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहा होगा तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका क्लाइंट जो है उसको इन फिगर्स को ड्रॉ करने में मुश्किल पेश आ रही है तो ये भी हम तमाम कार्ड्स में देखते हैं कि उसने इरेजिंग जो है वो कार्ड्स में कितनी यूज़ की है तो इससे आपको उसके बिहेवियर का पता चलता है इम्पोर्टेंस के बाद आता है क्लोजर डिफिकल्टी डिफिकल्टी इन गेटिंग द ज्वाइनिंग पार्ट्स ऑफ फिगर्स टुगेदर और गेटिंग एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ अ फिगर टू टच जिन जिन फिगर्स पे ज्वाइनिंग पार्ट्स मौजूद हैं जैसे कि फिगर ए फिगर फोर और फिगर सेवन इन पर ज्वाइनिंग पॉइंट्स मौजूद हैं तो आपके क्लाइंट को इन फिगर्स को ड्रॉ करने में मुश्किल पेश आएगी इन फिगर्स को आपस में जोड़ने में मुश्किल पेश आएगी तो आपको वो भी उनकी ड्राॅइंग से पता चलेगा कि इन्होंने जो है फिगर्स को जॉइन कैसे किया है वो दोनों फिगर्स आपस में जॉइन हो रही हैं दोनों फिगर से मुराद कि फ़िगर के जो दो पार्ट्स हैं जैसे ए कार्ड पे जो फिगर है सर्किल बना हुआ है और साथ ही उसके स्क्वायर भी है तो वो दोनों उन्होंने कैसे ज्वाइन किए हैं बीच में स्पेस तो नहीं है ज्वाइनिंग सही है इस तरह से आप ये चीज़ देखते हो फिर अगर क्लोजर डिफिकल्टी में एरर मौजूद है तो आप प्रेजेंट में वन मेंशन करोगे अगर नहीं है तो आप जीरो मेंशन करोगे क्लोजर डिफिकल्टी के बाद आती है मोटर कोऑर्डिनेशन ये भी हम तमाम एट कार्ड्स में जो है वो ऑब्जर्व करेंगे मोटर कोऑर्डिनेशन का आपको ऐसे पता चलेगा कि आपके क्लाइंट ने जो ड्राइंग की है उसमें जो उनकी लाइनिंग है जो उनकी ड्राइंग है वो इेगुलर होगी जो उनकी लाइंस होंगी वो इेगुलर होंगी मींस उनकी लाइन में एक फ्लो नहीं होगा वो कंसिस्टेंट नहीं होंगी वो लाइन जो है उनकी ब्रेक हो रही होगी कहीं से ऊपर नीचे हो रही होगी ठीक है इस तरह की लाइनिंग होगी उनकी और लाइन पर जो है वो हैवी प्रेशर होगा मीन्स उन्होंने बहुत जोर लगा कर, जो है वो ड्रॉइंग की होगी मोटर इन कोऑर्डिनेशन को जानने के लिए बिहेवियर ऑब्जर्वेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है मीन्स हम यहाँ पे जो है वो उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं ठीक है कि जब आपके क्लाइंट फिगर ड्रॉ कर रहा है तो उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है उनकी लाइनिंग कैसी ड्रॉ हो रही है ठीक है वो किस तरह से बैठे हुए हैं तो ये भी हम तमाम कार्ड के ऊपर असेस करते हैं ऑब्ज़र्व करते हैं मोटर इन कोऑर्डिनेशन के बाद आती है एंगुलेशन एंगुलेशन एरर में क्या होता है सीवियर डिफ़िकल्टी इन रिप्रोड्यूसिंग द एंगुलेशन ऑफ फिगर्स आपके क्लाइंट को जो फिगर्स का एंगल है उसको ड्रॉ करने में बेहद दर्जे की मुश्किल पेश आती है एंगुलेशन एरर जो है वो हम अपने क्लाइंट की ड्राइंग में कार्ड नंबर टू और कार्ड नंबर थ्री में ऑब्ज़र्व करते हैं जैसे आपको दिख रहा होगा कि कार्ड टू में जो है सर्कल्स ड्रॉ हुए हुए हैं लेकिन वो जो सर्कल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ड्रा नहीं है वो एक आर्क लाइक लाइन में जो है वो ड्रा हुए हैं इसी तरह जो कार्ड नंबर थ्री है उसमें जो सर्कल्स डॉटेड लाइन और एक सर्कल ड्रा है वो भी एक बैंड लाइन में ड्रा हुआ हुआ है वो भी स्ट्रेट नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा एंगुलेशन एरर में कि आपका क्लाइंट जो है उसको उस आर्क लाइन और बैंड लाइन के एंगल को ड्रॉ करना नहीं आ रहा होगा तो वो क्या कर सकते हैं कि जो कार्ड नंबर टू पर जो सर्किल्स हैं तो वो उन सर्किल्स को स्ट्रेट लाइन में ड्रा करके दे देंगे आपको इसी तरह कार्ड नंबर थ्री में जो बैंड लाइन में सर्किल्स ड्रा हुए हुए हैं उसको भी वो स्ट्रेट करके हॉरिजोंटल वे में या वर्टिकल वे में वो स्ट्रेट करके आपको जो है वो दे सकते हैं तो इस तरह उनको एंगुलेशन में जो है वो डिफ़िकल्टी होती है तो अगर एंगुलेशन में कार्ड टू और कार्ड थ्री पर डिफ़िकल्टी और एरर मौजूद होगा तो आप प्रेजेंट कॉलम में वन मेंशन कर दोगे अगर नहीं होगा तो ज़ीरो मेंशन कर दोगे फिर आता है कोहिजन कोहिजन में क्या होता है कि आइसोलेटेड डिक्रीज और इंक्रीज इन साइज ऑफ फिगर्स आपके क्लाइंट ने फिगर्स का जो साइज़ बनाया है वो कहीं पे छोटा है कहीं पे बड़ा है कहीं पे उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है किसी फ़िगर में उसका जो साइज़ है उस फिगर का वो डिक्रीज़ हो रहा है जैसे अगर हम फिगर टू की बात करें तो उसमें कुछ सर्किल्स ड्रा हुए हुए हैं तो कोई सर्किल बहुत छोटा है कोई सर्किल बहुत बड़ा बनाया है इसी तरह कोई डॉट बहुत बड़ा है किसी डॉट के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं है कोई डॉट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बनाया गया है ठीक है इस तरह जो तो है फिगर्स की जो साइज़ है ना वो हमें ऑब्जर्व करनी होती है कोहिजन में अब ये जो फिगर का साइज है वो आप अपने कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो ऑब्जर्व नहीं करते मींस ऐसा नहीं करना कि आपके क्लाइंट ने जो ड्राइंग की है जो फिगर्स उसने ड्रॉ की हैं उसका जो साइज है आपने उस साइज को अपने दिए हुए या अपने शो किए गए कार्ड्स के साथ कंपेयर नहीं करना फिर तो ऐसा होगा ना कि हो सकता है कि आपके जो कार्ड्स हैं उसमें फिगर्स मतलब एक नॉर्मल साइज़ की है लेकिन आपके क्लाइंट ने जो फिगर थोड़ी बड़ी बनाई है या थोड़ी छोटी बनाई हुई हैं तो अगर आपने उसके साथ कंपेयर किया फिर तो उसका साइज़ सारा ही डिक्रीज आएगा तो इस तरह उसमें एरर मौजूद हो जाएगा तो हम क्या करते हैं कि जब हम फिगर्स के साइज़ को असेस करते हैं तो हम अपने क्लाइंट की ही बनाई हुई नाइन फिगर्स में से जो उसका एवरेज साइज़ हमें समझ आ रहा होता है वो हम कंसीडर कर लेते हैं फिर उसी साइज़ के अकॉर्डिंग हम उनके फिगर्स को कंपेयर करते हैं और फिर उसका साइज देखा जाता है फिर हम देखते हैं कि कोहेजन एरर मौजूद है या नहीं अगर मौजूद होगा तो हम प्रेजेंट में वन लिखेंगे अगर मौजूद नहीं होगा तो हम प्रेजेंट में ज़ीरो लिख देंगे तो ये तमाम ट्वेल्व एरर थे जो कि हम स्कोरिंग के वक्त देख रहे होते हैं लास्ट आता है टाइम टाइम जो है वो हम नहीं देखते टाइम हम तब एज अ एरर कंसीडर करेंगे अगर आपके क्लाइंट ने पंद्रह मिनट से ज़्यादा टाइम लिया है उन फिगर्स को ड्रॉ करने में तो ऐसा मोस्टली नहीं होता है जो इस वजह से इन तमाम कार्ड्स में हम टाइम जो है वो मोस्टली हम नहीं देख रहे होते ना ही उसको एरर कंसीडर कर रहे होते हैं अच्छा अब जब आपके पास तमाम स्कोर्स आ जाते हैं प्रेजेंट के कॉलम में जैसे फोर्थ सपोज़ फर्स्ट में वन आया फिर वन आया फिर ज़ीरो फिर वन फिर वन इस तरह से आपके पास ट्वेल्व एरर्स के अंदर जो है वो ज़ीरो वन जीरो वन ज़ीरो वन इस तरह के स्कोर्स आ गए अब आपने उन तमाम स्कोर्स को ऐड करना है और टोटल स्कोर में मेंशन कर देना है कि टोटल स्कोर जो है वो फाइव आया है टू आया है टेन आया है ठीक है इस तरह से कुछ भी आ सकता है अब जो टोटल स्कोर है क्योंकि हम टाइम को कंसिडर नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर है वो आएगा ट्वेल्व और मिनिमम जो स्कोर आ सकता है वो ज़ीरो होगा ठीक है अब हम स्कोर्स की बात कर लेते हैं कि अगर कितना स्कोर होगा तो हम क्या कंसीडर करेंगे स्कोर्स में अगर आपके क्लाइंट का स्कोर वन आता है टू आता है या थ्री आता है तो हम उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे मींस कोई इम्पेयरमेंट नहीं है अगर स्कोर फोर आता है तो बॉर्डर लाइन पर है अगर स्कोर फाइव या सिक्स आता है तो माइल्ड एम्पेयरमेंट है और सम एविडेंस ऑफ इम्पेयरमेंट इज़ प्रेजेंट अगर सेवन और एट स्कोर आता है तो मॉडरेट और स्ट्रांग एविडेंस ऑफ एम्पेयरमेंट इज प्रेजेंट और अगर नाइन टेन एलेवन या ट्वेल्व स्कोर आता है आपके क्लाइंट का ओवर बी तो हम उसको सीवियर या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ एम्पेयरमेंट इज प्रेजेंट सो दैट वॉज ऑल अबाउट बैंडर टेस्ट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन दी कॉमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़ 🎵outro music